14 जनवरी 1992 यानी आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी शपथ ली थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और पीएम मोदी ने ये शपथ राम मंदिर के लिए ली थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी का भी राम मंदिर से पुराना नाता रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें युवा नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दरअसल 32 साल पहले मकर संक्रांति के दिन मोदी अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेते हुए कसम खाई थी। युवा मोदी ने बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र के साथ अयोध्या में कसम ली थी कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तभी वह यहाँ लौटेंगे। उस समय पीएम मोदी बीजेपी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा पर थे। जब नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम के नारों के बीच ये संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 1992 में जो प्रण लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होने तक निभाते रहे। युवा मोदी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या लौटे जब उन्हें राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए बुलाया गया। इस बीच वे अयोध्या तो कई बार गए लेकिन राम जन्मभूमि पर कदम नहीं रखा। इस प्रकार उन्होंने अपनी शपथ पूरी की और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान भी कर रहे हैं।